दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कालू और आप देख रहे हैं कालू LIC। दोस्तों अब LIC का जो हम नया प्रपोजल फॉर्म लेके जाएंगे अप्रैल के महीने से, उनमें हमें बैंक डिटेल ले जाना अनिवार्य है। अब बैंक डिटेल ले जाने के लिए या तो हमें कैंसिल चेक ले जाना पड़ता है या फिर हमें बैंक की जो पासबुक है ग्राहक की वो ले जानी पड़ेगी। अब मान लीजिए इन दोनों में से ही कोई भी चीज़ नहीं है तो हम बैंक से भी अटेस्टेड करवा सकते हैं, अकाउंट नंबर लिखवा करके। एक बैंक का एक परफॉर्म होता है वहाँ पे, तो वहाँ से बैंक मैनेजर भी दे देता है। अगर ये सिचुएशन होती है कि चेक भी नहीं है, पासबुक भी नहीं है, तो बैंक डिटेल भर के ब्रांच में मिल जाती है वो डिटेल, और उस पर सील लगाते हैं ब्रांच मैनेजर लगा देता है, जो भी किसी भी बैंक का हो, चाहे SBI हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एक्सिस हो, कोई सा भी बैंक हो, लगा देता है वहाँ पे ब्रांच मैनेजर। तो वो भी चल जाएगी। साथ में उसको अटेस्टेड भी करना पड़ेगा। अब अटेस्टेड के लिए या तो DM क्लब मेंबर होना ज़रूरी है, और एक DM क्लब मेंबर से अबव, यानी कि DM क्लब मेंबर से ऊपर वाले तो कर ही सकते हैं, ZM CM, लेकिन DM क्लब मेंबर ही अटेस्टेड कर सकता है। अब मान लीजिए अगर DM क्लब मेंबर नहीं है कोई अभी करता, तो उनका जो डेवलपमेंट ऑफिसर है CLI है, वो भी अटेस्टेड कर सकता है। और दोस्तों जो हम आनंदा से पॉलिसियाँ बना रहे हैं उनमें तो बैंक डिटेल पहले से भरनी पड़ती थी, और बैंक डिटेल भरने के बाद ही आगे प्रोसेस होती है। तो आनंदा में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अपन भर देंगे बैंक डिटेल तो ऑटोमेटिक ही चलता है वो, तो पहले भी मतलब बैंक डिटेल बिना आगे प्रोसेस नहीं होता था। आनंदा में तो पहले भी अनिवार्य था, लेकिन अब प्रपोजल फॉर्म जो हम भर के ब्रांच में ले जाए के हम जो जमा कराते हैं उनमें भी अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों क्लब मेंबरशिप अगर आपको हासिल करनी है तो अप्रैल के महीने से ही आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लब मेंबर का क्या होता है दोस्तों कि हम एक साथ दौड़ भी लगाना चाहें तो फिर माइंड वहाँ पे डिप्रेशन होके हैंग होने की संभावना होती है माइंड की, तो इतना काम हम कर नहीं सकते, एक साथ थोड़ी कर सकते हैं। अगर हम अप्रैल से ही स्टार्ट करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अगर आप अप्रैल के महीने में आप कम से कम मान लीजिए आप 11 पॉलिसियाँ भी दे देते हैं, तो आपकी एक तो एनर्जी बढ़ेगी और आपका उत्साह बढ़ेगा, और क्लब मेंबरशिप में आपकी बहुत ही सहायता मिलेगी। अगर 11 पॉलिसियाँ आप पूरे साल भर में हर महीने कर देते हैं तो CM क्लब मेंबर आपको मिल ही जाएगी। अगर 11 पॉलिसी करते हैं, अगर हम अपन बड़ी क्लब मेंबरशिप की शिप का प्रयास करते हैं ना, तो छोटी तो मिल ही जाती है। तो ऐसे क्या है कि हमारा विजन कम से कम CM क्लब मेंबर का होना चाहिए कि हम CM क्लब मेंबर कैसे हासिल करें। यही था अपडेट, कैसी लगी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।